Jai Hind student, my name is Manoj Sharma and I am math teacher of Sunbeam School, Sultanpur. As we all know that the coronavirus is spreading rapidly all around the globe. So to avoid it, we work from home. I also request you to stay at home and be safe. Wash your hands frequently and avoid crowd. Let's start with our first chapter of class 12, that is relation and function. अब रिलेशन फंक्शन क्लास ट्वेल्थ का पढ़ने से पहले भी हमने पढ़ा हुआ है क्लास एलेवेंथ में, थोड़ा सा चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर चीज़ें क्या थी, रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, सेट क्या है, इन चीज़ों को तो क्या क्या पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि एक रिवीजन सा सेट क्या होता था, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते थे उस टाइम, देन रिलेशन, रिलेशन किसे कहते हैं, एंड फंक्शन, फंक्शन किसे कहते हैं, राइट। नाउ सेट, डेफिनेशन क्या थी, a set is a well defined collection of objects। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेकर हम लोग चलते हैं। हम घर में हैं, घर वालों ने हमें मार्केटिंग के लिए बेचा, उस बैग में मल्टीपल चीज़ें आप रखकर लेकर आते हैं जो आप लेकर गए थे, फिर आप उसे क्या करते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि वहाँ पर आप कर क्या रहे हैं। इस बैग में कुछ सामान किचन के लिए होगा, कुछ ड्राइंग रूम के लिए होगा, कुछ वॉशरूम के लिए होगा, हुआ कि नहीं। जब आप लेकर आते हैं तो आप किचन वाली चीजें किचन में ही रखते हैं, ड्राइंग रूम की चीजें ड्राइंग रूम में रखते हैं, इवन आप वॉशरूम की चीज़ें वॉशरूम में रखते हैं। क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आप वॉशरूम की चीज़ें किचन में ले आकर रखें, टूथब्रश किचन में रखा हुआ है, नहीं होता ना। यहाँ पर हमने क्या किया, जो चीज़ें जो ऑब्जेक्ट्स हम लेकर आए थे वो सभी ऑब्जेक्ट्स को हमने वेल डिफाइंड उनकी एक डेफिनेशन पर उनका प्लेस डिफाइंड किया कि वो वहीं पर मिलेंगे। इसी तरह हमारे सेट में भी डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने वाले ऑब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर सेट में मिलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, चलिए हमने सेट का एक नाम मान लिया, सेट हमारे पास था ए और इसमें क्या होने चाहिए, ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर आएंगे, वन आएगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, इस तरह के सारे नंबर होंगे अप टू इनफाइनाइट। अब हमको पॉसिबिलिटी बताइए, क्या इसमें ज़ीरो आएगा, क्या इस सेट में कभी ज़ीरो आएगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में कह रहा है नेचुरल नंबर, तो ज़ीरो तो नेचुरल नंबर नहीं है, सो यहाँ पर तो नहीं आएगा। क्या माइनस फाइव आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि माइनस फाइव नेचुरल नंबर तो है नहीं, तो माइनस फाइव इसमें नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या है, एक सेट है, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट।
I hope you all clear it. Now, representation. Representation of set. Set को हम represent कैसे करते हैं? Set को हम represent करते हैं दो तरीकों से. मेरे पास दो types हैं उसको represent करने के, जिनका पहला नाम है roster form. roster form. दूसरा है set builder form. दो तरीके से सेट रिप्रेजेंट होता है, रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से. रोस्टर फॉर्म में हम लिखते क्या हैं? तो रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं एलिमेंट्स, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं डेफिनेशन. ये मेन डिफरेंस है इसका. सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? डेफिनेशन. एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि होता क्या है. वी हैव अ सेट A, that is 5, 10, 50, 20, 25, 30. ये हमारा जो सेट A है, यहाँ पर जो रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं वो रोस्टर फॉर्म में है. रोस्टर फॉर्म में ये वर 5, ये 10, 15, 20, all these numbers are called elements here. They are elements. The actual number present in the set. अब अगर हम इसको set builder form में करेंगे, मैं represent करेंगे तो कैसे करेंगे? हमको तो क्या चाहिए? Definition चाहिए. ठीक है, define करते हैं. X such that x is multiple of 5 less than 35. suppose less than का मतलब क्या हुआ? उससे छोटा. 35 तो हम ले नहीं सकते. अब आप एक बार चेक करिए, क्या ये 5 का मल्टीपल नहीं है? सभी नंबर 5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30, ये सारे नंबर मल्टीपल हैं 5 के और लेस देन 35 हैं. 31 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 का मल्टीपल नहीं है. तो ये हमने जो बनाया यहाँ पर ये स्टेटमेंट है डेफिनेशन. और सेट बिल्डर फॉर्म में हम डेफिनेशन ही लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं. द कार्टेशियन प्रोडक्ट of the Cartesian product P and Q is the set of all ordered pair of element P and Q. Let's take an example. हमारे पास P और Q दो सेट थे और उनको क्रॉस में लिखना P into Q है ना. P by Q हम पढ़ते हैं इसको. तो यहाँ पर P by Q हमारे पास क्या है? स्मॉल p, स्मॉल q. मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट उस दो सेट का p एंड q का किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बाय डेफिनेशन p बिलोंग्स टू कैपिटल p एंड q बिलोंग्स टू कैपिटल q.
यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं इन द पेयर, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये एक पेयर है जो इसका एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, और यहाँ पर पी हमेशा कैपिटल पी सेट पी का एलिमेंट होगा और स्मॉल क्यू सेट क्यू का एलिमेंट होगा। एग्जांपल लेते हैं, सपोज वी हैव अ सेट 1 2 3 एंड अनदर सेट बी दैट इज स्मॉल ए एंड बी। नाउ इफ यू हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी, पहले क्या होना चाहिए, पहले सेट का एलिमेंट, बाद में क्या होना चाहिए, दूसरे सेट का एलिमेंट। तो 1, A अगेन अनदर एलिमेंट 1, B, अब तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, A 2, B नाउ 3, A एंड 3, B। नाउ ए क्रॉस बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, हेयर 1, A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस बी। इन्हीं को हम ए क्रॉस बी को ही कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं, इन दोनों सेट का प्रोडक्ट हमने निकाला तो यहाँ पर हमारा पेयर बनता है इसके और इसके एलिमेंट्स के। तो पहले के साथ पहले का एक पेयर, पहले के साथ दूसरा एलिमेंट का एक पेयर, दूसरे एलिमेंट सेट ए के बी के पहले एलिमेंट के साथ एक पेयर, बी ए के पहले सेट बी के दूसरे सेट से, है ना, हमारे पास यहाँ पर पेयर बन रहे हैं। तो ये सारे पेयर ही हैं, ऑर्डर पेयर, इसी को हमने कहा था कार्टेशियन प्रोडक्ट पी क्यू इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। अगर हमने पी क्यू लिखा है तो हम पहले पी का एलिमेंट लिखेंगे बाद में क्यू का एलिमेंट लिखेंगे। अगर हमने पी क्रॉस क्यू लिखा तो हमने बताया आपको पहले पी का होगा बाद में क्यू का होगा, और हमने क्यू क्रॉस पी लिखा तो पहला एलिमेंट होगा क्यू का और दूसरा होगा पी का। ये दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बी क्रॉस ए फाइंड करते हैं, अगर यहाँ पर हम बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, ए वन बी वन ए टू बी टू ऐसे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पहला एलिमेंट वन है दूसरा ए है, और इस पेयर में कैसा है, पहला एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट है, तो यहाँ पर दोनों बातें एक बराबर नहीं होंगी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था डिफरेंट, ये हम इक्वल नहीं कह सकते। हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी क्रॉस क्यू एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन क्यू क्रॉस पी विल बी इक्वल, ये इक्वल होंगे। नाउ रिलेशन, रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। अभी हमने पढ़ा कि ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो इनके बीच जो एक रिलेशन होता है उसको हम कहते हैं, इसकी भी अपनी डेफिनेशन होती है, कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन पर हम इसको ट्रू कराते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। सपोज वी हैव टू सेट्स लाइक ए दैट इज 1, 2, 3 4, 5 अनदर एलिमेंट अनदर सेट लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत सारे बन सकते हैं, कितने बनेंगे, 9 एलिमेंट इसमें हैं और 5 एलिमेंट इसमें हैं, कितने बन सकते हैं, 45 एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट के बन सकते हैं। पर यहाँ पर हमने एक डेफिनेशन दी कि आर इज इक्वल टू एक्स ए कॉमा बी वेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी
ऑल्सो इसमें और क्या है, बी बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर है कि हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए किसमें किसमें, सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा दूसरा बी का होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी, पर कंडीशन ये है कि जो बी वैल्यू होगी वो ए स्क्वायर होगा। तो ज़रा देखते हैं क्या है वो रिलेशन। तो यहाँ पर रिलेशन क्या क्या आया देखते हैं, पहला नंबर लेते हैं, चलिए फर्स्ट वाला लेंगे हम ए का पहला एलिमेंट, क्या इसका स्क्वायर यहाँ पर है, तो हाँ है, वन का स्क्वायर कितना होता है, वन होता है। साथ ही साथ दूसरा एलिमेंट, क्या इसका स्क्वायर यहाँ पर है, चेक करते हैं, फोर इसका स्क्वायर है। नेक्स्ट थ्री का स्क्वायर है, बिल्कुल है, नाइन, क्या फोर का स्क्वायर है, नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेफिनेशन हो गई, रिलेशन हो गया हमारा कि फर्स्ट सेट के और बी सेट के, ए सेट और बी सेट के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए, वो रिलेशन हमने बाय डेफिनेशन यहाँ पर दिया और हमने उसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर दिया। अब इसको हम वेन डायग्राम से थोड़ा सा देखते हैं कि हमारे पास चार डायग्राम होता है। सपोज करिए हमारे पास एक सेट एक्स है और एक सेट वाई है, एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पर ए बी सी। तो फर्स्ट के साथ इसका रिलेशन है, फर्स्ट के साथ बी का रिलेशन भी हो सकता है बाय डेफिनेशन, टू के साथ बी का रिलेशन हो सकता है और यहाँ पर इसका रिलेशन भी हो सकता है। इनका हो रहा है या नहीं हो रहा है भी बाद में देखते हैं, पर जिनका रिलेशन बन रहा है हमने उनको मार्क कर दिया। अब हमेशा याद रखिए कि जो हमारा फर्स्ट सेट होता है पहला सेट, उनके सभी एलिमेंट्स को हम कहते हैं डोमेन, क्या कहते हैं, उनके सभी सेट एलिमेंट्स को, पहले सेट के सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं कोडोमेन, इनका नाम है कोडोमेन, एक सेकंड, कोडोमेन, क्लियर। हो सकता है इसमें डी भी रहा हो कभी। अब जो पर्टिकुलर वैल्यूज हमारे इस रिलेशन में यूज हुआ है उन पर्टिकुलर वैल्यूज को हम कहते हैं रेंज, यानी कि अगर हमें एक रिलेशन ने डिफाइन किया फ्रॉम एक्स टू वाई, जो रिलेशन यहाँ पर सपोज करो हमने दिया हुआ है कोई एक रिलेशन एक्स टू वाई यहाँ पर हमने डिफाइन किया, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि डोमेन लिखिए, तो डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा वो सारी वैल्यूज जो सेट ए में है वो डोमेन है। हमसे कहा गया को डोमेन लिखिए, तो वो सारी वैल्यूज जो सेट बी में हैं या सेकंड सेट में हैं वो कोडोमेन है। नाउ द रेंज ऑफ दिस रिलेशन, रेंज ऑफ दिस रिलेशन इज ए बी सी, जिनके बीच रिलेशन बना हुआ है। अच्छा एक बात और यहाँ पर है, ये जो सेट सॉरी एलिमेंट ए है हमारा, इसको हम इमेज भी बोलते हैं, और केवल इसी को नहीं, जो भी इस रिलेशन में यूज हो रहे हैं सेकंड सेट के एलिमेंट्स उनको हम फर्स्ट से जहां पर लिंक कर रहे हैं इसको इससे कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहां पर ए इस वन का इमेज है, उसी तरह से बी वन का भी इमेज है और टू का भी इमेज है। फंक्शन कहते समय जब किसी चीज को हम फंक्शन बोलेंगे, होता सब कुछ वही है जैसा रिलेशन है, सेम ये भी है, कंडीशन सिर्फ एक है, सेट बी में और सेट ए, जो भी हमारे पास एक्स वाई यहां पर दिख रहे हैं, पहला सेट है दूसरा सेट है, तो सेट एक्स का एक ही इमेज होना चाहिए सेट वाई में, यानी सेट एक्स के किसी एलिमेंट का
एक इमेज होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, इसका एक इमेज ये है और इसकी एक इमेज ये है बी। फर्स्ट का यानी वन का एक इमेज है ए और वन का एक इमेज है बी। यहाँ पर दो बन सकते हैं, रिलेशन में पॉसिबल है पर फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। किसी एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि दो हो रहे हैं तो वो रिलेशन तो है पर फंक्शन नहीं है। ये हमारा बेसिक था आज का। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड द टॉपिक, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई पर्सनल विंडो। थैंक यू।